वहीं जनपद पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल में गुलदार के हमले में पूरी तरह घायल हुई 4 वर्षीय मासूम को उपचार के लिए हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। आपको बता दें कि बीती रात श्री कोटा गंगनाली क्षेत्र में घर के आंगन से एक मासूम बच्ची को गुलदार को उठा ले गया था। जब आसपास के लोगों ने शोर मचाया तो मासूम बच्ची को बुरी तरह घायल कर गुलदार जंगल की ओर भाग गया। मासूम को आनन फानन में उपचार के लिए बेस अस्पताल श्रीनगर लाया गया, लेकिन हालत मासूम बच्ची की बिगड़ने पर मासूम को एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है। वहीं इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों ने गुलदार दहशत से निजात दिलाने की मांग वन विभाग से की है। वहीं गुलदार के बढ़ते हमले पर DFO पौड़ी ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। पौड़ी से मुकेश बचेती की खास रिपोर्ट। गुलदार जो है, मकान मालिक ने ये बच्ची आंगन में थी और मकान मालिक लाइट बंद गई, तो जैसे मकान मालिक अंदर गया तो ये भी हमने कमरे के अंदर जाने लगी, उसको बाघ ने उठा दिया। लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा सोने जाने पर बाघ ने उसको छोड़ दिया और कुछ लोग इसको जो है उठा के इमरजेंसी में ले गए, आपातकालीन उसको ले गए। लेकिन जो लड़की की स्थिति वो गंभीर बताई जा रही है, उसके जो है गले में भी नाखून या दांत बाघ ने मारा, पेट में मारे हैं और उसके कारण जो है नाखून मारने के कारण उसकी कुछ भारी हवा जो है उसके पेट के अंदर जा रही है, डॉक्टर द्वारा जो बताया जा रहा है, इसलिए उसको उचित उपचार के लिए, अच्छे उपचार के लिए बाहर भेजा जा रहा है। और मैं प्रशासन से ये भी निवेदन करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि ये इस क्षेत्र की ये चौथी या पाँचवीं घटना है और ये लगातार छोटे छोटे बच्चों को 3 से लेकर 6 साल के बच्चों को ये बाघ उठा रहे हैं, बार बार हमला कर रहे हैं। इसके लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए और बाघ को नियंत्रण करना चाहिए। 9:30 के करीब हमारे इमरजेंसी विभाग में 3-4 साल की बच्ची को लाया गया, जिसको गुलदार ने आक्रमण किया हुआ है। श्रीपुर के आसपास कहीं पर आक्रमण किया था, तो हमारे सारे चिकित्सकों ने, सर्जरी डिपार्टमेंट और ऑर्थो डिपार्टमेंट के चिकित्सकों ने ट्रीटमेंट देके और उसको स्टेबलाइज कर दिया है, लेकिन उसके थोड़ी गंभीर स्थिति है, तो CTBS डिपार्टमेंट के लिए हमने एम्स ऋषिकेश में रेफर किया। अगर हम लोग तीनों इंसिडेंसेस देखेंगे तो तीनों इंसिडेंसेस जो है ऐसे घरों में हुए हैं जो एकदम जंगल से सटे हुए हैं और रात को 8 बजे के बाद ही हुए, 8 से लेकर 10 बजे तक। तो हमारा पिछले बार भी हम लोगों ने एक जागरूकता मुहिम चलाई थी श्रीनगर में, पूरे क्षेत्र में हम लोगों को जागरूक कर रहे थे कि कृपया अंधेरा होने के बाद खासकर छोटे बच्चों को बाहर निकलने ना दें। और ऐसे घरों में हम लोगों ने खासकर जागरूक किया था कि जो जंगल से सटे हुए हैं, तो ये जो क्षेत्र है इसमें ज़्यादा खतरा है। तो मेरा दोबारा सबसे अनुरोध है कि श्रीनगर वासियों से, खासकर जो जंगल के किनारे रह रहे, इनसे अनुरोध है कि आप जो है बच्चों को रात को अंधेरा होने के बाद जो है अपने घरों से बाहर ना निकलने दें और बच्चों को अपनी सुरक्षा में रखें।